वाओ कल्याणी, मैंने सुना तुमने शाक से अकेले लड़ाई की। क्या बात है यार, तुम तो बड़ी सुपर वुमन निकली। हाँ मुझे ना पूरी कहानी सुननी है डिटेल्स में, ईच एंड एवरीथिंग। अगर तुम मुझे नहीं सुनाओगी ना कल्याणी, तो जानती हो ना मैं क्या करूंगी। सुनाओगी कहानी? हाँ सुनाओगी? चलो ना कल्याणी, अब उठ भी जाओ, बहुत बोर हो रही हूँ मैं। मुझे ना तुम्हारी बहुत जरूरत है कल्याणी, अगर तुम यूं ही पड़ी रहोगी तो फिर मेरी और सार्थक जी की शादी की तैयारियां कौन करवाएगा। हाँ अगर तुम नहीं उठी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुला दूंगी। हाँ बेहोश पड़ी है, अभी नहीं, जब तक मैं वो चीज हासिल नहीं कर लेती तब तक मैं इस घर से नहीं जा सकती। आज शाम वो चीज मेरे हाथ लग जाएगी और तभी मैं घर से बाहर निकलूंगी। मैं देखी ना कितना अजीब सा लग रहा है इसको ऐसे चुप देख के। मुझे आदत नहीं है मल्हार ये मल्हार जी वो मल्हार जी। मेरे कान तरस रहे हैं इसके मुंह से मल्हार जी सुनने के लिए। अब उठ जाएगी ना तो कान खींचने वाली हूँ इसके। अपनी बच्ची को इसे पहचान पड़े नहीं देख सकती मैं, हिम्मत ही नहीं होती मेरी। देखा तुमने, आदत नहीं जाएगी ना अपनी माँ को परेशान करने की। अच्छा अच्छा वो सब छोड़ो, देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। देखो देखो ये सुन के ना तुम उठ के बैठ जाओगी। देख लेना बताया क्या है, ये बॉलीवुड खबरें। मैं सुनाता हूँ तुम्हें, देखो क्या चल रहा है बॉलीवुड में। करीना कपूर ने वेट लूज करने के राज खोले, लेकिन नहीं तुम मत पढ़ना ये, तुम्हें जरूरत नहीं है वेट लूज करने की। तुम इससे पतली होगी तो दिखना बंद हो जाओगी कल्याणी। मैं दूसरी न्यूज सुनाता हूँ तुम्हें, देखो
ये देखो सारा अली खान क्या कर रही है। सारा अली खान को कार्तिक के साथ देखा गया। अगर रहे दोनों कल्याणी, इनके इनके बीच कुछ चल रहा है क्या? कल्याणी तुम सुन क्यों नहीं रही हो मेरी बात? तुम उठो ना। मल्हार जी आपको पता है ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ एक साथ मूवी कर रहे हैं। पता है आपके दोनों ही ना मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। और इस मूवी में ना दोनों का जरूर जरूर साथ में कोई डांस वाला सॉन्ग होगा ही होगा। अरे आखिर दोनों इतने कमाल के डांसर्स जो है। और मल्हार जी जब दोनों का सॉन्ग आउट हो जाएगा ना, मैं वो वीडियो देख देख के प्रैक्टिस कर करके ना अपना खुद का वीडियो बनाऊंगी और सोशल मीडिया पे डालूंगी और फिर मुझे बहुत सारी लाइक्स मिलेगी। और हो सकता है कि टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन मेरा वीडियो रिपोस्ट करे। और बिल्लू तू भी मेरे साथ डांस करना करेगा ना? कल्याणी तुम्हें पता है दुनिया में और भी बहुत चीजें जाननी जरूरी है। तुम्हें पता है सुप्रीम कोर्ट में कौन से केस की सुनवाई चल रही है? मुझे वो नहीं पता तो उसमें क्या? ऐसी तो बहुत चीजें जो आपको भी नहीं पता। अब जैसे कि यही बात देख लीजिए ना, आपको पता था क्या कि ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ साथ में मूवी कर रहे हैं? नहीं ना। तुम्हारे टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन साथ में मूवी कर रहे तो मेरी जिंदगी में कौन सा फर्क पड़ जाएगा? ये असली न्यूज है, इन्फॉर्मेशन है। ये लो, ये पढ़ो और थोड़ी देर में मैं सवाल पूछूंगा। नहीं, प्लस को मल्हार जी, मुझे अभी शिल्पा शेट्टी का डाइट प्लान देखना है। वेट लॉस की डाइट नहीं ना। कल्याणी ये पकड़ो। मल्हार जी नहीं, मुझे वहीं जाए। मल्हार जी ठाकुर, ये पेपर मुझे दे दे ठाकुर। नहीं ठाकुर, ये पेपर मुझे दे दे ठाकुर। नहीं दूंगा। मल्हार जी प्लीज दे दो ना पेपर। ये लो। थैंक यू। अरे आपको पता है जॉन अब्राहम भी एक मूवी कर रहा है। कौन है जॉन अब्राहम? पता है वीर सावरकर कौन थे? क्या कौन? कल्याणी देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी बॉलीवुड न्यूज पढ़ने से नहीं रोकूंगा। हाँ, बल्कि मैं तुम्हारे साथ पढ़ूंगा। हम दोनों साथ मिलकर न्यूज पढ़ेंगे और जो भी गॉसिप होगी हम साथ करेंगे। कल्याणी तुम, कल्याणी उठ जाओ ना। तुम सुनते क्यों नहीं हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कल्याणी नहीं पवार, कल्याणी कुछ नहीं बोल रही है। वामन ने कुछ बताया? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं बोला सर। तहकीकात जारी रखो। जी। और हाँ, तुम बता रहे थे कि हमारे घर में से कोई है जो शायद मिला हुआ हो। हाँ सर, लगता तो है। सबके ऊपर तहकीकात शुरू करो। और हाँ, बाबा जिस टेम्पो में गए थे उस टेम्पो की कंफर्मेशन है? नहीं सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। कौन कौन डिपार्टमेंट कॉल किया तुमने? चलो मैं खुद ही फोन करता हूँ। जी सर। आपकी जेब से कुछ गिर गया था। थैंक यू। आपको यहां पहले नहीं देखा मैंने। हाँ, वो घास बहुत बढ़ गई थी ना, वो काटने के लिए आया। ठीक है, चलो पवार। और करो शादी। देखा ना आपने, आपके पति ने क्या कर दिया। हाँ, वो तो भगवान का शुक्र है हम लाख लाख बच गए, वरना चला आता। ओ भाऊ इकड़े, और यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ? काम चाहिए था, वो मतलब वो घास बहुत बढ़ गई है, मैं काट देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है,
हमारे पास पहले से ही बहुत सारे कामगार है, ये घास काटने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है, जाइए यहाँ से। जी सुनिए, तो मुझे पैसों की जरूरत है, मैं कर दूंगा काम, आप काम देखने के। अरे नहीं चाहिए बोला ना, अब जाइए यहाँ से, जाइए। अरे इसने कहा ना नहीं चाहिए, अब जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। चलिए ताई, मार्केट जाना है, बहुत काम है। क्या हुआ? अगर तेरी कल्याणी आई तेरे साथ अभी है नहीं तो मैं हूँ ना, मैं तो तेरी आई हूँ ना, मैं तो तेरा ख्याल रखूंगी अच्छे से, है ना? हाँ, हम लोग घूमी घूमी करेंगे, तू वनीला खाएगा, नहीं बटर खाएगा, बटर बटर वाली चौकी, आजा आजा बटर वाली चौकी खाएंगे हम, है ना? ये क्या कर रही हो? देखो, छुओ मत मेरे बच्चे को, छोड़ो। अरे अरे अरे, उसको तकलीफ हो रही है। आ! आ! पागल हो गए हो क्या तुम? ये क्या कर रही हो? मोक्ष को मेरे पास दो, दो। क्यों? कल्याणी की बेहोशी का फायदा उठाकर बच्चे के करीब आने की कोशिश कर रही हो? याद है ना तुम्हें, अब इस पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। हमारे घर के मामले में दखल देने वाली होती कौन हो तुम? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा बच्चा दो। बच्चा चाहिए ना तुम्हें, तो अपना बच्चा तो तुम्हें हमेशा के लिए भी मिल सकता है ना संपदा। हाँ? जिंदगी भर के लिए अपने मोक्ष की आई बन के रहना चाहते हो? पर कैसे? अगर कल्याणी कभी उठे ही ना तो? अगर कल्याणी हमेशा के लिए सो जाए तो? सोच लो संपदा, तुम्हें बस मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी और उसके बाद तुम्हारा मोक्ष हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। अरे भाई, रास्ते का कांटा तो कल्याणी है ना, तो हटा दो कांटे को रास्ते से। तुम आखिर करवाना क्या चाहती? बस मेरा एक छोटा सा काम। माई के पास एक सुनने वाली मशीन है, हियरिंग एड। तो बस वो हियरिंग एड तुम माई के पास से लाकर मुझे दे दो। हियरिंग एड? उसका तुम क्या करोगी? सवाल मत करो संपदा, बच्चा चाहिए ना तुम्हें। एक बार वो हियरिंग एड मेरे पास आ जाए ना, तो मैं कल्याणी को हमेशा के लिए उसकी माँ के पास पहुँचा दूंगी। और फिर मोक्ष तुम्हारा।
कल्याणी तुम्हें होश आ गए, तुम्हें होश आ गए। बलार भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये बेहोशी का तो मैं नाटक कर रही थी। क्या तुम पागल हो गई हो क्या कल्याणी? हाँ तुम्हें पता है हम सब कितने डर गए थे, मल्हार की हालत देखी है तुमने, और ये सब किया क्यों? शांत हो जाओ। आई 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 देखो देखो आई आई देखो I'm sorry, आई I'm really sorry। मुझे ऐसे तुम्हें परेशान नहीं करना था आई, मुझे पता है मैं जो भी कर रही हूँ वो बहुत बुरा है, आप लोगों के साथ मैं बहुत बुरा कर रही हूँ। आई देखो मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती हूँ, और मल्हार जी की आंखों में, उनकी आंखों में मैं आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। I'm sorry, आई लेकिन लेकिन आई सच में आई मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है पापा को ढूंढने का। मुझे मुझे यही रास्ता मिला पापा की सच्चाई लांगने का, पापा को निर्दोष साबित करने का। मुझे बेहोश देख के केतकी को तसल्ली हो गई है कि मैं उसके लिए अब कोई खतरा नहीं है, और मुझे टाइम भी मिल जाएगा बाबा को ढूंढ निकालने का। मुझे यकीन है आई बाबा को केतकी ने ही छुपा के रखा है, और मेरी बेहोशी की वजह से काका और केतकी की शादी भी टल जाएगी। आई ये सारे प्लान में मैं अकेली नहीं हूं, संपदा भी मेरे साथ है। तुम्हें पता है जब मैं केतकी के साथ कमरे में अकेली थी ना, तब केतकी को कोई फोन आया और उसने कहा कि वो घर से तब तक नहीं निकल सकती जब तक उसे वो चीज नहीं मिल जाती। उसने ये भी कहा था कि वो आज शाम तक वो चीज लेकर ही रहेगी। कैसी चीज? माई आपके पास वो सुनने की मशीन है क्या, हियरिंग एड है? कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रही? पता नहीं क्या सोच के ये उठा लिया था मैंने। कल रात को मैं जब मोक्ष को खिला रही थी तब वहां केतकी आई थी, और वो मुझसे बातें करने लगी कि माई के पास एक सुनने वाली मशीन है, हियरिंग एड। तो बस वो हियरिंग एड तो माई के पास से लाकर मुझे दे दो। एक बार वो हियरिंग एड मेरे पास आ जाए ना तो मैं कल्याणी को हमेशा के लिए उसकी माँ के पास पहुंचा दूंगी, और फिर मोक्ष तुम्हारा। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इस हियरिंग एड से ही पता चलेगा केतकी का सच, और आई मुझे ना पूरा यकीन है कि केतकी को पता है कि पापा कहाँ है। एक बार इस केतकी की सच्चाई मुझे मल्हार जी के सामने लाने दो, अपने पापा को भी ढूंढ निकालूंगी। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्या है इस हियरिंग एड में।